नमस्कार, मैं हूं विवेक नहाड़िया। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कम कंपनी सेक्रेटरी एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग LLB। मैं इस वीडियो में GST का इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर पे क्या होगा उसको हिंदी में समझाने वाला हूं, और सेम वीडियो में इंग्लिश में भी समझाऊंगा। ये दूसरा वीडियो रहेगा। मैं हरि अग्रवाल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में पार्टनर हूं। अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप हमारे ऑफिस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर है 9948586136। अगर आप मुझे ईमेल के द्वारा क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो आप hae.vivek@gmail.com पर भी आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आज हम, जैसे मैंने बताया है, आज हम GST का इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर पे क्या होगा उसके बारे में, एकदम बेसिक्स क्या है वो मालूम करेंगे। अगले वीडियो में मैं एक एक पार्ट डिटेल में समझाते जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट 20 लाख की है। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैंडेटरी है। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको GST में रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। एक पिछले GST के आने के पहले का सिनेरियो क्या था उसको मैं इस GST के सिनेरियो से कंपेयर करके एक पॉइंट बताना चाहूंगा। ओल्ड सिनेरियो, पहले जैसे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, VAT या CST सेल पे लगता था, सर्विस जब आप सर्विस प्रोवाइड करते थे तब लगता था। GST में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। सप्लाई गवर्नमेंट ने टर्म किया है एक वर्ड जिसमें वो इंक्लूड करते हैं सेल्स, सर्विस, सब कुछ। तो सारे सिनेरियो सप्लाई में कवर हो जाते हैं। मैं सप्लाई के बारे में अभी इन डिटेल नहीं जाऊंगा, सप्लाई को मैं डिटेल में दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, टेक्सटाइल क्षेत्र में VAT या दूसरे टैक्सेस बहुत ही कम एरियाज में लगाए जाते थे, जिसके कारण कई सारे टेक्सटाइल बिजनेसमैन को बेसिक्स समझ में मुश्किल होती है। जिस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये कई लोगों के लिए नए टर्म्स होंगे, तो मैं इस वीडियो में एकदम क्लियरली सिंपल टर्म्स में समझा दूंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट मींस एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन सेल्स यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन परचेजेस। इसका मतलब ये है कि जब आपका फैब्रिक या रेडीमेड गारमेंट्स कस्टमर को बेचेंगे तो उस पर आप टैक्स कलेक्ट करेंगे GST, और जब आप परचेज करेंगे आपके सप्लायर से तभी भी आप GST पे करेंगे। तो आपने जो GST पे किया है वो अमाउंट जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, ये अमाउंट ये सेट ऑफ हो जाएगा, और जो एक्सेस रहेगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ये एक सिंपल एग्जांपल में मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलो हम ये समझते हैं कि आप होलसेल बिजनेस में हैं, आपने परचेज किया है फैब्रिक 100 रुपए वैल्यू, आपने 5% GST पे किया है, दैट इज ₹5 यू हैव पेड एज टैक्स। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 105 रुपए। अब आपने आपका प्रॉफिट 10% बढ़ा दिया है 100 रुपए पर। सो अब आप जब कस्टमर को बेचेंगे, आप बेचेंगे 110 रुपए के वैल्यू। आप कस्टमर से सपोज मान लिया जाए कि आप 5% GST चार्ज कर रहे हैं, तो 110 पर 5% होता है 5.5 रुपीज। तो आपने जब परचेज किया था आपके सप्लायर से, आपने GST पे किया था 5 रुपए। जब आप अपने कस्टमर को बेच रहे हैं तो आपने GST कलेक्ट किया है आपके कस्टमर से 5.5 रुपए। तो अब गवर्नमेंट को आपको, यह है आप, अब आपको गवर्नमेंट को कितना देना होगा, अब आपको गवर्नमेंट को 5.5 माइनस 5 दैट इज 0.5 गवर्नमेंट को देना होगा।
क्यों? क्योंकि 5 रुपए तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, 5.5 रुपए आपने कस्टमर से कलेक्ट किए हैं, तो 5.5 रुपए आपको देने थे, 5 रुपए आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो बचे हैं 0.5 रुपीज जो आपको गवर्नमेंट को देना है। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट ये है आपका इनपुट, ये है आपका टैक्स, इसका आपको यहां पर क्रेडिट मिल रहा है। सिंपल इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई रिपीट, जो आप परचेस कर रहे हैं उस पर 5 रुपए दे रहे हैं टैक्स के तौर पर, वो है आपका इनपुट टैक्स, उसका आप यहां पर क्रेडिट ले रहे हैं, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम पे। कई सारे टेक्सटाइल के ट्रेडर्स हैं या होलसेलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको कंफ्यूजन है कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करें या ना करें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम है क्या। कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर्स या मैन्युफैक्चरर्स के लिए अवेलेबल है जो गुड्स सप्लाई करते हैं, जो सप्लाईज, जो सर्विसेज सप्लाई करते हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है, जो गुड्स सप्लाई करते हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का 20 लाख से अधिक है और 75 लाख से कम है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़े एडवांटेजेस हैं, थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारे हम कंसिडर करेंगे और मैं इस वीडियो के अंत में आपको समझाऊंगा कि आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। हम जानते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स रेट्स क्या होंगे। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं और अगर आप ट्रेडर हो तो आपको आउटवर्ड सप्लाई पर, ताकि आपके सेल्स पर 1% जीएसटी लगेगा। अगर आप होलसेलर हैं तो आपको सेल्स पर 2% टैक्स पे करना होगा, और सर्विसेज, जैसा मैंने बताया था, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें एक्सेप्शन, अगर आप रेस्टोरेंट्स हैं या आप केटरर्स हो तो आपको 5% लगेंगे। सर्विसेज में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली टेक्सटाइल वालों के लिए रखा है। अब कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? सप्लायर शैल नॉट बी एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें यह है कि आप बाहर इंटर स्टेट, सपोज आप सिचुएटेड हो तेलंगाना में और आप सप्लाई करना चाहते हो महाराष्ट्र में, तो आप तेलंगाना से महाराष्ट्र में सप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हो। यह रेस्ट्रिक्शन है आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज आप सेल के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ये परचेजेस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर परचेज करना चाहते हो महाराष्ट्र या किसी भी और दूसरे स्टेट से तो आप बिल्कुल कर सकते हो कॉम्पोजिशन में, कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने के बावजूद भी। एक ही कंडीशन है कि आप सेल्स बाहर स्टेट के बाहर नहीं करना है। आप परचेजेस स्टेट के बाहर कर सकते हैं, सेल्स स्टेट के बाहर आप नहीं कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। अगर आप, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप ई कॉमर्स जैसा है फ्लिपकार्ट है अमेजॉन है, ये लोगों को आप, ये लोगों की वेबसाइट पर एज अ सेलर रजिस्टर करना चाहते हैं और ये लोगों की वेबसाइट पर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाते हो। कई सारे दूसरे कंडीशंस भी हैं लेकिन ये दो कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट कि आप परचेज बाहर से कर सकते हो पर सेल दूसरे स्टेट में नहीं कर सकते हो। सेकेंड, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से सेल नहीं कर सकते हो। चलिए पहले हम जानते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने से आपको बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स ये है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने होगी, 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको हर महीने 3 रिटर्न्स फाइल करनी होगी। जैसा कि अगर आप लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप महीना लेते हैं सेप्टेम्बर का, तो सितंबर का रिटर्न जाएगा, पहला रिटर्न जाएगा GSTR 1 10th अक्टूबर को,
GSTR 2 जाएगा 15th अक्टूबर को और GSTR 3 जाएगा 20 अक्टूबर को, तो आपको महीने में 3 रिटर्न फाइल करने होंगे अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करते हो तो। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हो तो आपको 3 महीने में सिर्फ एक रिटर्न जाएगा जो है GSTR 4, और ये ड्यू डेट होगी 18 तारीख, जो क्वार्टर 3 महीने का मंथ पीरियड खत्म हो गया जो जाएगा, फोर्थ मंथ के 18 तारीख आपकी ड्यू डेट होगी। मोस्ट बेनिफिट इसमें क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम में कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रिस्क्राइब्ड हैं वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का अलग अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंप्लायंस वगैरह आपके रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे कि आपका ज्यादा कुछ तकलीफ पाए बिना आप जीएसटी में माइग्रेट हो जाएंगे और आराम से कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हुए लेस बर्डन से अपना बिजनेस चलाएंगे। सो नो एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। कॉम्पोजिशन डीलर को टैक्स इनवॉइस इशू करना पॉसिबल नहीं है, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। डिफरेंस बिटवीन टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, ये दोनों के डिफरेंस को मैं अलग वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि आप अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपको बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा, और बिल ऑफ सप्लाई में एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब किए हैं एक्ट में कि ये डिटेल्स ये बिल ऑफ सप्लाई ये डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। और एक पॉइंट आपको नोट करना होगा, जो मैंने टैक्स बताया है 1%, 2% या 5% का, वो आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब कि आप इनवॉइस में द बिल ऑफ सप्लाई में सेपरेटली बता नहीं सकते हो कि ये पोर्शन आपने टैक्स के रूप में कस्टमर से लिया है। अब हम जानते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम लेने से ड्रॉबैक क्या है। मेन ड्रॉबैक कॉम्पोजिशन स्कीम का यही है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसा मैंने पहले एग्जांपल में समझाया था कि अगर आप आपके डीलर से परचेस करते हो और आप उस पर टैक्स पे करते हो 5 रुपए, ये आप हो, आपने 5 रुपए टैक्स पे किया है, और कस्टमर से आप कलेक्ट करते हो सेल पे 5.5 रुपीज, तो आपको ये 5 रुपए का सेटअप यहाँ मिल जाएगा और आपको गवर्नमेंट को 0.5 देने होंगे। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज कॉम्पोजिशन स्कीम में जो ऑप्ट करेंगे उनको नहीं मिलेगा, उनका ये भी खर्चा हो जाएगा। प्लस अगर आप ट्रेडर हो तो 1% जो कस्टमर सेल के टाइम पे आप लेवी करोगे, पांच रुपए जो आपके डीलर को पे करोगे और 1% आपके सेल पे जो लगेगा, ये टोटल आपका कॉस्ट बन जाएगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज है कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने का। एडवांटेज ये है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा अप्लाई नहीं होंगे, 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एडिशनल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। सो अल्टीमेटली कई लोगों ने पूछा है कि अब कॉम्पोजिशन स्कीम लेना बेनिफिशियल है या नहीं। एडवांटेजेस तो हमने जान लिया है, डिसएडवांटेजेस भी हमने जान लिया है, तो फाइनली कॉम्पोजिशन स्कीम लेना बेनिफिशियल है या नहीं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप होलसेलर हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बेचते हो रिटेलर्स को, तो अगर आप कॉम्पोजिशन में जाओगे तो रिटेलर्स को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम रेलेवेंट किसके लिए होगा? ये कॉम्पोजिशन स्कीम रेलेवेंट उनके लिए होगा अगर आप रिटेलर हो। रिटेलर सप्लाई करता है कस्टमर को जो कि अनरजिस्टर्ड होता है, और कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आप रिटेलर हो तो आपके लिए प्रेफरेबल होगा कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करें, प्रोवाइडेड कि आपका टर्नओवर पिछले साल का 75 लाख से कम हो। कई लोगों ने मुझे यह भी पूछा है क्या जीएसटी में कंपलसरी है कि हम सारे बिल्स इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर पे मेंटेन करें, क्योंकि कई सारे शॉप्स होते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में जहां पर कंप्यूटर ही नहीं होता है। कि उसका आंसर यह है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटराइज बिल ही बनाएं कस्टमर को देने के लिए, आप मैनुअल बिल भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज बिल बनाते हो तो आपको काम आसान हो जाता है फ्यूचर के लिए, लेकिन ऐसा कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, और आप अपना मैनुअल बिलिंग कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिपेंड करता है, काफी आसान है, और अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो तो मैंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, अगर आप पार्टनरशिप हो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आपको देने होंगे। ये अगर डॉक्यूमेंट्स आप सप्लाई करोगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, आपका रजिस्ट्रेशन क्विकली जीएसटी में हो जाएगा।
मान लेते हैं कि आप प्रोप्राइटरशिप में हो, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी? आपका नेम ऑफ द ट्रेड, ट्रेड का नाम क्या है, एड्रेस क्या है ट्रेड का, आपके घर का एड्रेस क्या है, आपका सेल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आपका सेल नंबर और ईमेल आईडी फिक्स करें, क्योंकि ये काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर में भी सारे करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट के जो भी होंगे पूरे ये इसी नंबर पर और इसी ईमेल आईडी पर आएंगे। और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के दौरान भी आपको ओटीपी आएंगे ईमेल आईडी पर भी और ये प्रोवाइडेड सेल नंबर पर भी। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज गाइड ऑन, कि आप होलसेलर हो या आप रिटेलर हो, ये आपको इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होगी। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आपका गोडाउन है, फैक्ट्री है या आपकी कोई और ब्रांच है, ये सब आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में कवर हो जाएंगे और इनको आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। ये तो होगी आपकी इन्फॉर्मेशन की बात। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं? आप अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपका पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, आपकी एक फोटो, कैंसिल चेक, एक कैंसिल चेक की इमेज स्कैन करी हुई, या तो फिर बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज ऑफ बैंक बुक, कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, अगर आपकी प्रेमिसेस रेंटेड है तो रेंटल एग्रीमेंट, ये सारी चीज सॉफ्ट कॉपी में चाहिए और ये हमें अपलोड करने होंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन आपके ट्रेड का नाम, आपके ट्रेड का एड्रेस, आपके घर का एड्रेस, सेल नंबर, ईमेल आईडी, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, कौन होगा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी आपके फर्म के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेगा। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज गाइड ऑन, जैसा मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जैसे मैंने बताया था, गोडाउन, फैक्ट्री, ब्रांचेस। पार्टनरशिप फर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे? पैन कार्ड सारे पार्टनर्स का, फर्म का पैन कार्ड, आधार कार्ड पार्टनर्स का, पार्टनर्स की फोटोग्राफ्स, पार्टनरशिप डीड का फर्स्ट पेज सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल चाहिए, अगर आपकी प्रीमिसेस रेंटेड है तो रेंटल एग्रीमेंट का फर्स्ट पेज चाहिए, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए और एक डिक्लेरेशन चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं, आपके कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आते हैं हम टैक्स रेट्स पर। अगर आप फैब्रिक बेच रहे हो तो कॉटन फैब्रिक पे 5% जीएसटी है, नेचुरल यान पे 5% है, मैनमेड यान पर 18% है। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स सप्लाई करते हो और उन गारमेंट्स की वैल्यू लेस देन रुपीज 1000 है तो 5%, मोर देन रुपीज 1000 है तो 12% जीएसटी लगेगा। रिटर्न्स के बारे में मैं एक ब्रीफ बता देता हूं आपको। अभी नेक्स्ट अपकमिंग रिटर्न आपको सबमिट करना होगा, जो जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है उनको फॉर्म 3B 20 अगस्त को पे करना, सबमिट करना होगा। रिटर्न्स जैसे मैंने बताया था, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हो तो आपको एक ही रिटर्न क्वार्टरली बेसिस में पे करना, सबमिट करना होगा। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जाते हो तो आपको 3 रिटर्न एवरी मंथ पे सबमिट करना होगा। कौन से 3 रिटर्न होंगे मैं ब्रीफली समझाता हूँ। GSTR 1 ये रिटर्न होता है आउटवर्ड सप्लाई का, जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई, इन द सेंस आप जो सेल कर रहे हो वो सेल्स का GSTR 1 में डिटेल्स जाएंगे और इसकी ड्यू डेट होगी अगले महीने की 10 तारीख। आते हैं दूसरे रिटर्न पर, GSTR 2, ये डिटेल होगी इनवर्ड सप्लाई की, जो आपने खरीदी की है, जो परचेजेस किए हैं, परचेजेस की डिटेल्स 15 तारीख, अगले महीने के 15 तारीख तक आपको सबमिट करने होंगे। GSTR 3 होता है मंथली रिटर्न, मंथली रिटर्न की ड्यू डेट होगी अगले महीने की 20 तारीख और 20 तारीख आपका टैक्स पेमेंट का भी ड्यू डेट होगी। तो ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली टेक्सटाइल सेक्टर के जीएसटी पे का इम्प्लीकेशंस क्या होंगे उसको समझाया है और काफी बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इन डिटेल, जैसा कि टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिटर्न्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन करने होंगे। ये सब वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगा, जिसमें मैं इन डिटेल एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा कि आपको कैसे करना होगा। ये है हिंदी वर्जन का वीडियो, आप
साइमल्टेनियसली इंग्लिश वर्जन का भी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज आप लाइक बटन क्लिक करिए, इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों से शेयर करिए जो टेक्सटाइल ट्रेडिंग में हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसपे आप मुझे क्वेरीज पूछ सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के तौर पे बताया है। अपने क्लाइंट्स और कई सारे लोग जिनको, जो टेक्सटाइल ट्रेडिंग में हैं, टेक्सटाइल के सेक्टर में हैं, उनको हेल्प करने के लिए। धन्यवाद।